सब्सक्राइब कीजिए राइसेंस कराज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए खुद के रिपेयर करके कुछ पैसे बचाने के लिए। तो ये है सुजुकी एक्सेस। अब हम इसका पहले हेडलाइट का फेयरिंग निकालेंगे। पहले इधर एक स्क्रू रहता है, ये आपको निकालना है, और इसके पीछे और चार स्क्रू रहते हैं वो निकालने हैं। नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको सुजुकी एक्सेस का स्पीडोमीटर और स्पीडोमीटर केबल का वायर खुद से कैसे रिप्लेस करके कुछ पैसे बचा सकते हैं वो दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये पांचों स्क्रू निकालने के बाद आपको सिर्फ ये फेयरिंग खींचना है और ये सीधा बाहर आएगा ऐसे। इसके बाद आपको हेडलाइट का कनेक्शन छोड़ना है और फेयरिंग साइड में रखना है। अभी फेयरिंग निकालने के बाद आपको ये स्पीडोमीटर का केबल का कनेक्शन छोड़ देना है। अब आपको इधर ये तीन स्क्रू निकालने हैं, एक दो, और नीचे की तरफ एक रहता है वो एक तीन। अब आपको ये स्पीडोमीटर का वायर कनेक्शन जो है वो छोड़ देना है। तो ये निकला हमारा स्पीडोमीटर। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे नए वाले के साथ। एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा बार आपका केबल ही जाता है, लेकिन मेरा केबल इधर अंदर टूट के अंदर रह गए हैं और निकालने को कोई चांस नहीं है, इसीलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। और इसका जो कांटा रहता है वो भी टूट गया है, इसलिए अभी मैं नया स्पीडोमीटर इधर डाल रहा हूँ। तो ये है मेरा अभी नया स्पीडोमीटर जो शोरूम से मैं लाया हूँ ओरिजिनल वाला। तो इसको मैं अभी रिप्लेस करूँगा। अभी पहले डालिए अपना प्लग। प्लग डालने के बाद स्पीडोमीटर अंदर डालिए और इसके तीन स्क्रू जो निकाले थे वो वापस डालिए। अभी ये तीनों स्क्रू डालने के बाद आपका नया स्पीडोमीटर ऑलरेडी लग चुका है और सिर्फ आपको केबल चेंज करना बाकी है। तो देखते हैं केबल कैसे चेंज करते हैं वो। तो ये है स्पीडोमीटर केबल का आउटर केबल। इसमें जो वायर जाता है वो ये है। ये इसको आप सेपरेटली परचेस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बार ये वायर ही जाता है, केबल को ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो वायर ही ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लेस करना पड़ता है। अब ये वायर डालने से पहले मैं इसमें थोड़ा ऑयल डालूँगा। ये इंजन ऑयल है, इधर किधर भी बचा रहता है वो आप डाल सकते हैं। तो इधर मैं थोड़ा इंजन ऑयल इस केबल के अंदर डालूँगा और बाद में वायर डालूँगा। अब आप नीचे आइए, टायर का इधर कनेक्शन रहता है स्पीडोमीटर का, वो आपको छोड़ना है। तो ये निकालने के बाद आपको पुराना जो वायर है अंदर वो बाहर निकालना है। और अब मैं इधर नया वायर जो है वो अंदर डाल रहा हूँ केबल के। तो ये आपको पूरा अंदर डालना है। केबल हमारा ऑलरेडी ऑयलिंग किया हुआ है तो ये अच्छा स्मूथली जाएगा। तो अभी ये केबल अंदर डालने के बाद आपको इसको फिर से कनेक्शन देना है, और वो कनेक्शन देने के बाद आपको इधर स्पीडोमीटर को कनेक्शन देना है और आपका काम हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। तब तक आपका ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।